गुड मॉर्निंग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो वी वर रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन, एथेन, एथीन एंड एथाइन। देन टुडे वी विल रीडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टुडे आज तक हम बात करेंगे जो कार्बनिक यौगिक है उनका नाम। टुडे टॉपिक नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स। कार्बनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन थ्री सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम, डेरिवेट सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। ट्राइबल, डेरिवेट एंड आईयूपीएसी। देखिए कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो करने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम है, या हम कहें देयर इज रिक्वायरमेंट। कार्बनिक यौगिक नामकरण की यानी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हम देखें तो लगभग मेनी कार्बोनिक कंपाउंड जिनका नामकरण करना यानी एक तरह से रिक्वायर हो गया था। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर दिस पर्पज मेनी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वर प्रपोज्ड, सम व्हिच आर कार्बोनिक कंपाउंड। देन सच वाज व्हिच आर थ्री सिस्टम, तीन प्रकार के सिस्टम से तीन प्रकार से उनके नाम करेंगे। नंबर वन डेरिवेट सिस्टम। देखिए बेटा डेरिवेट का मतलब होता है रूड सिस्टम। ट्राइबल, ट्राइबल मीन्स होता है रूड सिस्टम। डेरिवेट होता है व्युत्पन्न सिस्टम। नंबर फर्स्ट ट्राइबल सिस्टम, देन सेकेंड डेरिवेट सिस्टम एंड थर्ड आईयूपीएसी सिस्टम। तो देखिए थ्री टाइप्स कार्बनिक कंपाउंड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर थ्री टाइप्स, ट्राइबल, डेरिवेट एंड आईयूपीएसी। फर्स्ट ट्राइबल सिस्टम की सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि ट्राइबल सिस्टम क्या होता है। ट्राइबल सिस्टम को हम कहते हैं रूढ़ पद्धति। क्या कहेंगे? रूढ़ पद्धति। दिस सिस्टम बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। यह जो सिस्टम है, दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या कहेंगे, यह जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर, दिस सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंपाउंड्स। उसकी जो यौगिक है उसके क्या कहेंगे, उसको जो नेचुरल स्रोत है उसके आधार पर, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचुरल सोर्स के आधार पर उसको ट्राइबल सिस्टम में
हम उसको उसकी स्टडी करेंगे। तो कहेंगे द सिस्टम या दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी ठीक है। इसके अंदर देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उन एग्जांपल्स से हम बात करेंगे फॉर्मूला ट्राइबल नेम एंड नेचुरल सोर्स। तो यहां हम एक टेबल बनाकर इसकी स्टडी करेंगे। फॉर्मूला यहां लिखेंगे ट्राइबल नेम यहां लिखेंगे नेचुरल सोर्स। ठीक है नंबर वन पहला सिस्टम हम लेंगे मैथेन। फॉर्मूला क्या लिया हमने मैथेन CH4 और मैथेन का जो ट्राइबल नेम है यानी ट्राइबल नेम ऑफ मैथेन इज मार्स गैस। मार्स गैस किसको कहा मार्स गैस मैथेन को क्योंकि मार्स कहते हैं दलदल वाले स्थान को जहां पे मार्स ही जो एरिया है ऑपरेट फ्रॉम मार्सी एरिया दलदल से प्राप्त होती है इसको मार्स गैस कहते हैं। फॉर्मूला है मैथेन। देन सेकेंड CH3OH देखिए इसे हम कहेंगे वुड स्प्लिट। वुड स्प्लिट इसका ट्राइबल नेम है और ये प्राप्त होती है ऑपरेट बाई डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड यानी लकड़ी के भंजक आसमन से ये प्राप्त होती है CH3OH। हम इसको वैसे कहेंगे कार्बनिक कंपाउंड इसका नाम है मैथेनॉल और इसको कहते हैं वुड स्प्लिट। मार्स नेम है इसका वुड स्प्लिट। वुड स्प्लिट या स्पिरिट ये जो काम आती है जो चोट वगैरह लग जाती है उसमें स्प्लिट लगाते हैं। ठीक है आपने ऑब्टेनेड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ वुड। डिस्टिलेशन ऑफ वुड लकड़ी के भंजक आसमन से ये प्राप्त होती है। देन नेक्स्ट नंबर तीन CH3COOH इसका नाम है एसीटिक एसिड। एसीटिक एसिड यदि हम देखें तो ये विनेगर फॉर्म में है सिरके में ये एसिड होता है। एसीटिक एसिड इसका नाम है टेकन फ्रॉम लैटिन नेम एक्सीटम ऑफ विनेगर। ठीक है इसको हम कहेंगे एसीटिक एसिड। एसीटिक एसिड और ऑपरेट फ्रॉम एसीटम विनेगर ये नेचुरल सोर्स क्या है इसका एसीटम विनेगर ये सिरके से प्राप्त होता है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक और बात करेंगे देन लैक्टिक एसिड क्योंकि इसमें मैथिन मैथिनॉल एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ऑपरेट फ्रॉम लैक्टम या ऑपरेट फ्रॉम मिल्क से ये प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ कार्बन है ऊपर आपको एक हाइड्रोजन लगाना है HCOH देन एक लगाना है आपको CH। तो लैक्टिक एसिड के अंदर एक कार्बन परमाणु
एक कार्बन परमाणु पर क्या लगा हुआ है, यहां मेथिल समूह भी लगा होता है, ठीक है, CH3 CH2 COOH, इस तरह भी इसका फॉर्मूला होता है CH3CH, और इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड। नाम क्या है इसका? लैक्टिक एसिड। नेचुरल सोर्स क्या है? ऑब्टेनेड फ्रॉम लैक्टम या मिल्क, ये दूध से प्राप्त होता है। तो यहां पर देखो ट्राइबल सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या कार्बनिक, ऑर्गेनिक को ही कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम दिस सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी। इस सिस्टम के अंदर जितने भी कार्बनिक नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर किए जाते हैं। जितने भी हमने यहां पर इसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो सब नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर हमने इनको पढ़ा। देन सेकंड है ट्राइब डेरिवेट सिस्टम, दूसरा है बेटा डेरिवेट सिस्टम। तो इसका क्या है, जो सिंपल कंपोनेंट है उसके आधार पर हम नाम करेंगे। तो सेकंड है डेरिवेट सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम को हिंदी में कहते हैं रूढ़ पद्धति, रूढ़ पद्धति, और डेरिवेट सिस्टम को कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। देखो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैं ये कहूंगा दिस सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड, इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए बेटा, और इसमें लिखोगे आप दिस सिस्टम इज, दिस सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर This system is nomenclature of organic compound based on derivative of simple कंपोनेंट। दिस सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके सिंपल कंपाउंड के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। दिस सिस्टम इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड, सरल यौगिकों के आधार पर। जैसे नाम लिखा है यहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, इसका मतलब होता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ट्राइबल सिस्टम के अंदर रूढ़ पद्धति हमने चार एग्जांपल लिए, मैथेन, मैथेनॉल, एसिटिक अम्ल एंड लैक्टिक एसिड। ये इनके ट्राइबल नेम है मार्स गैस, वुड स्प्रिट, इसको एसिटिक और इसको लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कि यहां पर डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर नंबर वन लेता हूं मैं मैथेन, क्या लूंगा मैथेन। तो मैथेन का पहले हमें डेरिवेशन ऑफ सिंपल कंपोनेंट और फिर इसका नाम करेंगे डेरिवेटिव। तो यहां देखिएगा मैंने लिया मैथेन, मैथेन तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के बाद हम उसका लिखेंगे
डेरिवेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड देन नेम ऑफ डेरिवेटिव। तो यहां भी हम इसकी एक टेबल बना लेंगे और टेबल बना के हम देखेंगे किस तरह इसको करेंगे हम। तो नंबर वन फॉर्मूला, इसमें लिखेंगे इसके सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड ऑफ डेरिवेटिव, और ये करेंगे हम इसमें डेरिवेटिव, नेम ऑफ डेरिवेटिव, नेम ऑफ डेरिवेटिव। नंबर वन, पहला फॉर्मूला लिया मैंने मैथेन CH4, ये मैथेन का फॉर्मूला है, ठीक है मैथेन। और यहां इसके सिंपल कंपाउंड देखिए, कार्बन कितने यहां पर वन, और हाइड्रोजन इधर एक यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है और एक यहां है, एक यहीं पर, ठीक है। यदि यहां पर हाइड्रोजन CH4 कंप्लीट है, यदि यहां पर इसको सिंपल कंपोनेंट बनाना है तो यहां इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहां लगा दिया CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर भी CH3। तो इसमें मैथिल कितना हो गया, 1, 2, 3 मैथिल है, नाम एक कार्बन था, एक कार्बन पर 3 मैथिल लग गया। तो इसका जो सिंपल डेरिवेशन है बनेगा, वो बनेगा ट्राई मेथाइल मैथिल, ट्राई मिथाइल मैथेन। यानी हमने मैथेन का जो फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वाई मैथिल ग्रुप के द्वारा और यहां बन गया ये ट्राइल मिथाइल मैथेन। इसी तरह दिखेगा, नेक्स्ट हम लेते हैं CH3OH, इनसे कहेंगे मैथेनॉल या कार्बिनॉल, CH3OH इसका नाम है कार्बिनॉल, कार्बिनॉल, ठीक है। कार्बिनॉल का सिंपल कंपाउंड आपको बनाना है तो देखो CH3OH इसका फॉर्मूला है, यहां एक हाइड्रोजन कम कर दीजिएगा और यहां लगा देंगे हम CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बिनॉल, क्योंकि एक मैथिल समूह बढ़ा दिया और यहां इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बिनॉल, ठीक है। इसी तरह हम एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इनमें भी हम यदि एक मैथिल समूह जोड़ करके और उसको हम डेरिवेटिव नाम में चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 देखो, पहला आपने पढ़ा मैथेन, तो मैथेन के अंदर कार्बन तो एक है और एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनमें से 3 हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया मैथिल के द्वारा, तो मैथेन तो अपनी जगह पर है लेकिन ट्राई मैथिल मैथेन इसका नाम हो गया, ये सिंपल कंपाउंड है। इसी तरह मैथेनॉल है, मैथेनॉल को डेरिवेटिव यानी इसका नाम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल, मैथेनॉल को कार्बिनॉल भी कहते हैं, जिससे हम रूट में देखेंगे तो रूट में ऑर्गेनिक फॉर्म डिस्टिलेशन ऑफ रूट लकड़ी की बंजर कास्ट से मिल रहा था। डेरिवेटिव में देखिएगा कि हम लेते हैं सेकंड उदाहरण आपके लिए कार्बिनॉल, कार्बिनॉल में एक मैथिल ग्रुप जोड़ दिया तो यहां हो गए मैथिल कार्बिनॉल। देन नेक्स्ट देखिए नंबर 3, एसिडिक एसिड CH3COOH, इसका सिंपल कंपाउंड हम ले सकते हैं CH3COOH, इस CH3 में सिर्फ हाइड्रोजन कम करके और यहां मैं CH3 लगा दूंगा, अब इसका नाम हो जाएगा मैथिल, इसका नाम है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, और इसका जो नेम ऑफ डेरिवेशन, नेम ऑफ डेरिवेटिव बनेगा मेथिल एसिडिक एसिड, मेथाइल एसिडिक एसिड। इस तरह बिना हम डेरिवेटिव जो कंपोनेंट है उनके नाम हम इस प्रकार बना सकते हैं। तो नॉर्मल क्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास 3 सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम, डेरिवेटिव सिस्टम एंड आईपी सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने ट्राइबल और डेरिवेटिव जो सिस्टम है उसको समझाने का प्रयास किया, आपको कुछ समझ में आया होगा। हाँ ये जरूर है बेटा कि जो ये डेरिवेटिव और ट्राइबल सिस्टम है इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि डेरिवेटिव ट्राइबल सिस्टम
और डेरिवे सिस्टम को विस्तार से पूरा एनालाइज कराए हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है। 10th क्लास के सिलेबस में हमारे आईयूपीएसी सिस्टम को विस्तार से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ट्राइबल सिस्टम ये पूरा ही बेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज पर है, डेरिवेटिव सिस्टम बेस ऑन डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपाउंड पर है, क्योंकि रूट जो सिस्टम है ट्राइबल सिस्टम है यहाँ पर कार्बनिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है वो बेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज के आधार पर इनको नॉमेनक्लेचर किया जाता है, यानी जो भी इस सिस्टम के अंदर कार्बनिक कंपाउंड होगा वो बेस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज उसका नॉमेनक्लेचर होगा, और यदि डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर है डेरिवेटिव सिस्टम में बेस ऑन डेरिवेटिव ऑफ सिंपल कंपोनेंट सिंपल कंपोनेंट के आधार पर हम उसका व्युत्पन्न नाम निकालेंगे। तो हमें इनके नाम जरूर याद होना चाहिए। CH4 को कहते हैं मार्स गैस, ग्रुप ट्राइबल है, इसको कहेंगे वुड स्प्रीट, इसको एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को देखो चाहे आप ट्राइबल ने ट्राइबल सिस्टम में कहो या डेरिवेटिव में कहो, दोनों में इसको एसिटिक एसिड कहा है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड, तो इस तरह इनका जो ट्राइबल और डेरिवेट है वो सिस्टम में आपको इसके एग्जाम्पल समझाए गए हैं, आप एक बार देखना समझने का प्रयास करना, कुछ एग्जाम्पल याद हो जाए तो याद कर लेना, बाकी इनमें से क्वेश्चन लगभग नहीं पूछे जाते। आईयूपीएसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर एल्कीन एल्काइन जो सीरीज है उसके मेंबर्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल के वीडियो में आपको मैं आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ाऊंगा, आज के वीडियो के अंदर आपने ट्राइबल सिस्टम और डेरिवेटिव सिस्टम पढ़े, तीसरा सिस्टम आईयूपीएसी है। आईयूपीएसी पढ़ाने से पहले आपको मैं सफिक्स प्रीफिक्स ऑफ कार्बन एंड अदर जो ग्रुप हैं जो कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी आपसे मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आईयूपीएसी के साथ आपके सामने फिर हम प्रेजेंट होंगे, प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।